नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम से सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ में बीजेपी और केंद्र में मोदी सरकार बनाने का संकल्प दिलाया। इस बीच उन्होंने कहा, 2024 में राहुल बाबा और मोदी में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। सोनिया मनमोहन की 10 साल की सरकार ने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया है। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो आए दिन आतंकवादी हमला होते थे। मोदी सरकार में पाकिस्तान ने पुलवामा हमला किया तो पीएम मोदी ने 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाया। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा, प्रभु राम का मंदिर बनने को लेकर कांग्रेस लटका रही थी, मोदी जी ने ये काम किया और जनवरी में लोग रामलला के दर्शन कर पाएंगे। प्रभु श्री राम को उसी जगह पर स्थापित किया गया जिस स्थान में उनका जन्म हुआ था। विदेशों में नरेंद्र मोदी के नारे लग रहे हैं, ये नारे मोदी नहीं बल्कि देश की जनता का सम्मान है। आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाया गया। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार घोटाले पे घोटाले वादा खिलाफी कर रही है। छत्तीसगढ़ की जनता चुनाव की राह देख रही है, फिर सरकार पलटते देर नहीं लगेगी। 5 अगस्त 2014 को धारा 370 को हटाए कांग्रेस कह रही थी कि मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी, लेकिन हकीकत ये रही कि वहां एक कंकड़ तक नहीं चला। पीएम मोदी ने 9 साल में हर गरीब के बिजली, शौचालय, गैस, 5 किलो अनाज मुफ्त दिया और कोरोना के टीके मुफ्त लगाए। संबोधन से पहले अमित शाह भिलाई में उषा बाले के घर पहुंचे। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और सांसद विजय बघेल भी मौजूद थे। सभा को संबोधित करके वे मध्य प्रदेश के बालाघाट के लिए रवाना होंगे। अमित शाह ने कहा, बघेल सरकार हर मोर्चे पर फेल है। 1000 किसानों ने आत्महत्या की, बेरोजगारी लगातार बढ़ी है। केंद्र सरकार ने 74,000 करोड़ रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में भेजे। अमित शाह के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि राम के ननिहाल में उनका स्वागत है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि रामायण और राम की छवि बिगाड़ने वाली फिल्म आदि पुरुष को बैन करने की घोषणा करें। भिलाई पावर हाउस में अमित शाह को काले झंडे दिखाने की कोशिश करने वाले सैकड़ों एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाह की सुरक्षा में पूरे शहर को छावनी में तब्दील किया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इससे पहले रायपुर एयरपोर्ट पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने उनकी अगवानी की थी। उनके साथ अरुण साव, रामविचार नेताम, ब्रजमोहन अग्रवाल आदि लोग मौजूद थे। इनसे मुलाकात के बाद शाह दुर्ग के लिए रवाना हुए। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।